अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस वो कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास जो है ग्लूकोज जो है एज अ फूड ये और ऑक्सीजन जो है ये कंबाइन हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए ये प्रोसेस हो रहा है। और रिलीज क्या हो रहा है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, वाटर हो रहा है और ATP एनर्जी भी रिलीज हो रही है, हमारे पास केमिकल एनर्जी भी रिलीज हो रही है। इसमें रेस्पिरेशन की जो हमने इक्वेशन देखी थी उसमें हमने देखा था ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो चीज रिलीज हुई थी ग्लूकोज एज अ फूड था हमारे पास, और जो चीज हमारे पास रिलीज हुई थी वो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, ठीक हो गया। ये हमारी थी रेस्पिरेशन की इक्वेशन। बाकी हमने रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस पढ़ा था इसकी क्या इम्पोर्टेंस क्या है ये सब कुछ आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा, तो आप चैनल पे जाके वो देख लें। तो इसका जो प्रोसेस था इसकी जो डायग्राम थी ये मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इजी डायग्राम है ये, आप पेपर में बना सकते हैं और अगर आप ये पेपर में बनाएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना, इसकी इक्वेशन भी मैंने इसके साथ लिख दी है कि इसको रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, रिलीज क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और डायग्राम जो है वो समझ नहीं आ रही वो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको वो समझा दूंगी। अल्लाह हाफिज़।